हाय फोक्स, इज जेनिफर हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस, तो आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग अबाउट ज्वेलरी। यस, इट्स ऑल अबाउट ज्वेलरी। यस, ये हमारा पहला एपिसोड है ज्वेलरी का, क्योंकि मैंने आज तक ज्वेलरी हॉल कभी नहीं बनाया है। तो आज से मैं ज्वेलरी हॉल शुरू कर रही हूँ। तो आपको तो पता है, जब भी मैं एक नया एपिसोड शुरू करती हूँ किसी के बारे में, तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज जरूर देती हूँ, ताकि आप उसको और अच्छी तरीके से इंजॉय कर सके। और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर आपको किसी चीज़ का मिलता है, तो उस चीज को आप ज्यादा अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं और ज्यादा अच्छी तरह से फील करते हैं। यस, तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट एपिसोड ऑफ ज्वेलरी का, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आजकल मार्केट में बहुत तरीके की ज्वेलरीज आई हुई है, जो मैं आपको लिटिल बिट उसका बेसिक नॉलेज भी बताऊंगी। और एक और बार मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास इन सब चीजों का बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है कि मैंने कहाँ से लिया, कितने में लिया और अभी वहां अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड से ग्रैब की हुई चीजें हैं और हर एक चीज का याद रखना, और बहुत टाइम से मैंने कलेक्ट कर रही हूँ। कुछ मेरी है, कुछ दादी की है, कुछ मॉम की है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन एक ही एपिसोड में इनको बताना बहुत ही मुश्किल है, तो हम कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगी, लाइक अबाउट अफगानी ज्वेलरी, तिब्बतन ज्वेलरी, बंजारन ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरीज है, सिल्वर गोल्ड, बहुत सारी ज्वेलरीज है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैटेगरी वाइज, एपिसोड बाय एपिसोड। बट आज का जो हमारा एपिसोड है, स्पेशली मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज्वेलरीज की फॉर्मेशन, ज्वेलरीज के बारे में लिटिल बिट, एंड फिर नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन वाई लाइक कैटेगरी वाइज। ओके, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, होप सकता है कि ये ज्यादा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, इसलिए हमें जल्दी जल्दी मैं आपको जितनी थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज पता है मैं आपको बताऊंगी। और ये नॉलेज मुझे सिर्फ गैदर हुई है बहुत सारी ज्वेलरी कलेक्शन के बाद। मैं कोई ज्वेलरी डिजाइनर नहीं हूँ और मुझे ज्यादा, आई एम नॉट अ ज्वेलरी मेकर ऑल्सो, सो आई हैव लिटिल बिट नॉलेज आफ्टर दिस having so many jewelries, तब थोड़ा सा पता चल जाता है कि किसमें क्या है और किस तरीके से ये फॉर्म हुई है। एनी वेज, तो हम स्टार्ट करते हैं सिल्वर ज्वेलरी से। आपको तो पता है सिल्वर गोल्ड हमारे ट्रेडिशन में काफ़ी पहले से चला आ रहा है, जैसे ट्रेडिशन वाइज, कल्चरल वाइज, और बहुत सेंचुरीज से हमारी रानियाँ और महारानियाँ सारी गोल्ड ज्वेलरीज की बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। कहते थे कि इसमें बॉडी हीलिंग सिम्टम्स होते हैं अगर आप गोल्ड के चीज़ें पहनते हो और सिल्वर की चीज़ में खाना खाते हो, ऐसा बोलते थे। आई डोंट नो दैट हाउ ट्रू इट इज़, बट ठीक है, हम लोग अभी उतनी ज्वेलरीज तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग उसमें खाना खाएँ या वो करें, लेकिन फिर भी वी हैव सम कलेक्शन, या आई हैव सम कलेक्शन, तो आई वांट टू शो यू। आई एम नॉट, हम स्टार्ट करते हैं सिल्वर से। आई एम नॉट वेरी फैन ऑफ सिल्वरी काइंड ऑफ थिंग, बट फिर भी मुझे विंटेज सिल्वर मेरे पास थोड़े से कलेक्शन थे, जिसमें मैं आपको एक पीस दिखाऊंगी, बाकी वो कैटेगरी जब हम स्टार्ट करें उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है मैं आपको शेयर करूंगी डेफिनेटली। तो इस तरीके का ये विंटेज सिल्वरी होता है और इस तरीके से है ये, आप देखिए ये सिल्वर कलर में ही आता है और ये फॉर्म होता है सिल्वर में ही, आप देखिए इस तरीके से। यस, इट्स सच अ ब्यूटिफुल पीस और ये विंटेज पीस है, इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि सिल्वर में है और आई लव दिस पीस, इज अ रियल सिल्वर। सेकेंड जो है ये गोल्ड होता है, जो हम काफ़ी ऑर्नामेंट्स गोल्ड के पहनते हैं मैरिज में और हर जगह, वी लव गोल्ड, आई लव गोल्ड, आई लव गोल्ड। सो इसमें 916 भी आता है, 18 कैरेट भी आता है, 22 कैरेट भी आता है, प्लस दुबई का भी अलग प्योरिटी होती है गोल्ड की, इंडियन सिल्वर इंडियन में अलग प्योरिटी होती है, प्लस सिंगापुर से अगर आप लोगे तो अलग प्योरिटी होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन वेराइटी टू वेराइटी, डिज़ाइन टू डिज़ाइन। तो गोल्ड इस तरीके से दिखता है एंड जो डायमंड है, दिस इज द वे डायमंड लुक्स, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये कैरेट के हिसाब से होता है, कैरेट एंड क्लियर क्लैरिटी एंड कैरेट के हिसाब से होता है ये। प्लस आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो प्लैटिनम भी है, प्लैटिनम की ज़्यादातर रिंग चलती है जो इस तरीके से दिखती है। ज़्यादा का प्लैटिनम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो, बट वेडिंग रिंग काफ़ी आजकल पॉपुलर है प्लैटिनम में। तो अभी जो मैंने आपको दिखाई थी ये सारी ओरिजिनल यू नो ऑर्नामेंट्स है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी क्लैरिटी कभी भी नहीं जाएगी और इसकी जो शाइन है वो कभी भी नहीं जाएगी, और इसका जो अमाउंट का जो वैल्यू है ये दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। अगर आप अभी खरीदते हो तो उसका एक साल के बाद या दो साल के बाद तो उसकी मतलब क्वालिटी वैसी ही रहती है और अमाउंट उनका बढ़ता रहता है। यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस फॉर योर पर्सनल, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको बेच भी सकते हैं एंड देन यू कैन बाय इट अगेन न्यू डिज़ाइन ऑल्सो। ओके, नाउ अभी जो हमारी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल जो है ऑक्सीडाइज सिल्वर, ऑक्सीडाइज गोल्ड है। अब ये ऑक्सीडाइज सिल्वर, ऑक्सीडाइज गोल्ड होता क्या है, वॉट इज ऑक्सीडाइजेशन? ओके, तो ऑक्सीडाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस जिसमें दो मेटल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर
एयर एंड ऑक्सीजन थर्ड फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है या थर्ड फॉर्म में वो आ जाता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज सिल्वर या ऑक्सीडाइज गोल्ड। ये सिल्वर और गोल्ड में दोनों कलर्स में मिलता है, इसमें रियल सिल्वर नहीं होता है फ्रेंड्स। यस, बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइज सिल्वर तो सिल्वर होगा, गोल्ड नहीं, नहीं, इसमें बिल्कुल भी सिल्वर या गोल्ड नहीं होता है। इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये उनकी तरह दिखता है, यू नो लाइक सिल्वर जो है वो सिल्वर की तरह दिखता है, सिल्वर ऑक्सीडाइज जो सिल्वर की तरह दिखता है, और गोल्ड ऑक्सीडाइज जो गोल्ड की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और गोल्ड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पड़ा हुआ है। तो अभी आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको उसका फॉर्म दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए। तो दिस इज हाउ द सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लुक। यस, आजकल ये बहुत ज़्यादा फॉर्म में है और ये बहुत ही मतलब अच्छा दिखता है क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लैकिश काइंड ऑफ थिंग आ जाता है। अगर आप कंपेयर करोगे रियल सिल्वर या विंटेज सिल्वर से, ये देखिए, अगर आप इस तरीके से सिल्वर से कंपेयर करेंगे तो इसका थोड़ा सा लुक जो है ये ज़्यादा शाइनी होता है और ये थोड़ा ब्लैकिश टाइप में होता है। और अगर हम गोल्ड दिखाते हैं आपको, तो दिस इज़ हाउ द ऑक्सीडाइज गोल्ड लुक्स। स्टिल इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल। और रियल जो है वो इस तरीके से दिखता है जैसे मैंने आपको दिखाया। सो ऑफकोर्स देर इज़ अ डिफरेंस, ये देखिए काफ़ी डिफरेंस होता है। एंड अगेन जो रियल मोतियों के भी आजकल मिलते हैं प्लस आर्टिफिशियल मोतियों के भी मिलते हैं, तो आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है ये कुंदन नेकलेस। यस, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी एक्ट्रेसेस वगैरह ये पहनती है। खैर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कुंदन ज्वेलरी एक्चुअली सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स, एक्टर्स या हमारी जो महारानियाँ होती थी उन्होंने काफ़ी फेमस किया, वो बहुत ही अच्छी लुकती है, लुक होता है। और अगर आप ओरिजिनल गोल्ड और सिल्वर नहीं अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस कुंदन और एनी टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ऑल्सो। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो ज़्यादा फेमस है वो है इस तरीके के पर्ल ज्वेलर। अब पर्ल ज्वेल जो होता है वो आपको रियल पर्ल में भी मिल सकता है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट अफोर्डेबल, एंड जो आर्टिफिशियल पर्ल में भी हो सकता है। और आर्टिफिशियल और रियल पर्ल में मतलब पता करना ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक आउट व्हाट इज़ द थिंग, बिकॉज हम लोग उसे आजकल नेचुरल पर्ल से भी मिलता है, बिकॉज आई एम गोवन, आई नो अबाउट द पर्ल्स थिंग्स। तो नेचुरल जो पर्ल होते हैं बहुत बहुत एक्सपेंसिव होती है और बहुत डिफ़िकल्ट उनको मिलना होता है, लेकिन आजकल जो है वो आर्टिफिशली बनाई भी जाती है, वो सीप में भी मोतियाँ मिल जाती है, मतलब उसको बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और थर्ड, ये फ्रेश वाटर सीप जो होती है इस तरीके की होती है, जो आपको बनाया बनाया मिल सकता है। और नेक्स्ट जो है आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है वो है बीट्स ज्वेलरी। ये देखिए इस तरीके की होती है बीट्स ज्वेलरी, इसमें आजकल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आ रहा है और आप इसको कभी भी पहन सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपकी बॉडी पे बिल्कुल हार्श नहीं होगा, यू कैन वेयर इट। बट इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक होता है कि अगर इसका एक मोती खुल गया या एक इसका स्ट्रिंग टूट गया, ये पूरा की पूरी हार खराब हो जाती है और पूरा का पूरा आपको यू कैन नॉट मेक इट बैक। इट्स बच इट्स ब्यूटीफुल, अगर आप उसको अच्छे से रखिए तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अभी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है, दिस इज़ अ बोन बोन नेकलेस यू कैन से, आई डोंट नो, वो कहते तो है कि बोन है बट आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ट्रू, मतलब कैमल बोन या पता नहीं कौन कौन से बोन्स दे यूज दिस एंड दे मेक इट, बट आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज़। देन नेक्स्ट जो ज्वेलरी अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, इस तरीके की तार की ज्वेलरी होती है जो काफ़ी फेमस है, एंड इस तरीके से वो लोग तार पर थोड़ा थोड़ा ये करके जो है इस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट अगेन डिस्को मनी की ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा फेमस है इस तरीके की, तो आप इस तरीके की अपने वार्डरोब में ज़रूर रखिए डिस्को मनीज। एंड नेक्स्ट है ओके रियल स्टोन की, जो बहुत आजकल चलती है ये है रियल मून स्टोन, तो आपको इसमें कलर का फ़र्क पता चल जाएगा। अगर नाउ से इट्स इज़ ब्लू एंड देन इफ़ यू आई डोंट नो लाइट में कैसे लग रहा है, उसमें येलो कलर का वो आ रहा है, तो इट्स रियल मून स्टोन नेकलेस जो बहुत रेयर मिलता है। लेकिन अगर आपको स्पेशली ये आपको आइलैंड्स में मिलेंगे, जैसे फिजी हो गया या गोवा हो गया या केरला हो गया, इस तरीके के आइलैंड्स में अगर आप जाओगे तो इस तरीके के बहुत मिल जाएंगे आपको। तो आपको अगर मिलता है रियल तो प्लीज़ इसमें आप एक इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अभी जो मार्केट में काफ़ी चल रहा है वो है इस तरीके का ब्यूटिफुल सा स्टोन नेकलेस। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए आई विल शो यू
हाउ ब्यूटिफुल इट इज, इट इज लाइक अ स्टार यू नो. ये ओरिजिनल स्टोन नहीं है, ये कलर्ड आर्टिफिशियल स्टोन है. खासकर जयपुर में ऐसी चीजें बहुत बनती है, तो आप वहां से अगर आपको पसंद तो ग्रैब कर ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो हमारी आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो फैब्रिक ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चल रही है. इस तरीके की फैब्रिक ज्वेलरी होती है जिसमें उन्होंने बीड्स यूज़ करते हैं, शंख यूज़ करते हैं, इस तरीके का होता है वो. एंड नेक्स्ट फैब्रिक ज्वेलरी है इस तरीके का, आप देखिए बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं किसी भी कपड़े में, किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं. एंड देन इट इज़ लाइक दिस. स्टोन फैब्रिक ज्वेलरी भी काफ़ी यूज होती है एंड ये कभी ख़राब नहीं होती. ये मेरे पास आई थिंक 10 साल से है, बट ये अभी वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ. देन अभी ये बहुत ज़्यादा चल रही है, दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी इज़ वेरी मच इन फ्रेंड्स. ये कुर्तों पे, आपके इस तरीके के मतलब शर्ट पे, इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल. ओके, तो अब थोड़ा आजकल जब मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो ये ज्वेलरी मुझे एक ऑनलाइन स्टोर में मिली और ये वुड नहीं है, ये है मेटल पाउडर से बना हुआ, बट इट लुक सो नाइस यार. आप किसी कुर्ते के ऊपर अगर इसको पहनते हो, इट लुक सो नाइस, देखो. एंड इट्स वेरी नाइस, अफोर्डेबल, बट इट्स वेरी गुड. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखाऊंगी जब मैं इसको शूट करूंगी. ओके, नाउ दिस ज्वेलरी इज ऑल्सो वेरी मच इन. देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है. ये सब हैंडमेड ज्वेलरीज है. आजकल हैंडमेड ज्वेलरीज काफ़ी इन है फ्रेंड्स, और काफ़ी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि हैंडमेड होती है. तो नेक्स्ट हैंडमेड ज्वेलरी इस तरीके की भी आपको मिल जाएंगी, यू नो. और वुड की ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा इन है. ये देखिए इस तरीके से पहना जाता है और इस तरीके से ये दिखता है, ये वुड की ज्वेलरी है. बहुत ही अच्छी है और बहुत मज़ा आता है इसको पहनने में. नेक्स्ट है ब्रास की ज्वेलरी जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है. ये देखिए ये है ब्रास की ज्वेलरी, ये फुल ब्रास का बना हुआ है. ये देखिए इट्स वेरी नाइस, ब्रास इज गुड क्योंकि ज़्यादा काला नहीं. मैं आपको बताऊंगी इनकी क्या वैल्यू है. आजकल अफगानी ज्वेलरीज भी बहुत ज़्यादा इन है फ्रेंड्स, लेकिन ये भी अफगानी ज्वेलरी. मैं आपको एक सेट दिखा रही हूँ, इसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरी ज्वेलरीज आपको अफगानी, बस काफ़ी अफगानी ज्वेलरीज है, रियल अफगानी ऑथेंटिक ट्राइबल ज्वेलरीज है जो आजकल बहुत इन है. लेकिन ये जो है ये रियल अफगानी नहीं है, मतलब रियल वहाँ की नहीं है. और इसमें आजकल मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, और दे बाय दिस काइंड ऑफ ग्लास ज्वेलरीज इन द नेम ऑफ अफगानी ज्वेलरीज, बट डोंट गेट कन्फ्यूज. तो मैं आपको बता रही हूं कि दिस इज रियल अफगानी ज्वेलरी लुक्स लाइक. तो आपको इसके ग्लास से ही पता चल गया होगा. और ये देखिए कितना फर्क दिखता है, आप देखो ये कितना पुराना है, कितना ट्राइबल है और कितना ऑथेंटिक लुक आता है इसको. मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए. और जो आर्टिफिशियल है उनके ग्लास देखिए कितने क्लीन है, क्लीन वर्क है. और जो पुराना टाइप का होता है, जो यू नो विंटेज होता है, वो कैसा होता है. तो इस तरीके के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपको कहकर कुछ और कहकर कुछ बता दिया जाता है, पर प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए. या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ लीजिए. आप इस तरीके की चीज़ें अगर आप पहन सकते हो, अगर सिर्फ पहनना ही है, ऐसा नहीं कि आप नहीं पहन सकते हो, हर कोई इतना एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं अफोर्ड कर सकता है. तो ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्ले ज्वेलरी की तरफ. यस फ्रेंड, आजकल क्ले ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है क्ले ज्वेलरी. क्ले इज़ अ फॉर्म ऑफ मड, सो इट लुक्स वेरी नाइस, लेकिन इसके टूटने का डर होता है. तो बट इट लुक्स वेरी नाइस यार, यू नो. ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको आजकल के ट्रेंड की सारी ज्वेलरीज दिखा दी है. तो ये सारी ज्वेलरीज आजकल मार्केट में बहुत इन है. तो मैं आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बता देती हूँ जल्दी जल्दी. तो अगर आप ओरिजिनल गोल्ड सिल्वर या प्लैटिनम में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफकोर्स आपको उसका रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, एंड दे आर फॉर एवर, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो. लेकिन अगर आप उतने हम लोग उतने एक्सपेंसिव चीज़ें रोज़ पहन के नहीं जा सकते, पार्टीज़ में नहीं जा सकते, और हम लोग इतनी हैवी चीज़ें कैरी नहीं कर सकते हमेशा, तो आप ऑलवेज आप स्विच कर सकते हो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पे, सिल्वर ज्वेलरी ऑक्सीडाइज पे भी. क्योंकि ये सारी ज्वेलरीज पहली बात तो इनएक्सपेंसिव होती है, अफोर्ड कर सकते हैं, नई डिज़ाइंस पहन सकते हैं. और लेकिन वंस आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो उसको रिटर्न नहीं कर सकते. फिर देन आपको यूज़ कीजिए, एंड जब वो तब तक चल रही है तब तक ठीक है, अदरवाइज अगर वो ब्लैक हो जाती है या जंग पकड़ लेता है उस पर, या उसको
पानी से, ज़्यादा धूप से, और आप उसको एयरटाइट प्लास्टिक्स में बंद करके रखिए, तब आप उसको सालों साल पहन सकते हैं। तो डेफिनेटली वो एक चीज़ होती है, उसकी पॉजिटिव भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, नेगेटिव चीज़ें भी बता दी है कि अगर आप ओरिजिनल लेते हैं तो ये फ़ायदा है, अगर आप उसमें, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों आधा आधा ले जाना चाहिए। ओरिजिनल भी आपको अगर रखना है तो रखिए, और आर्टिफिशियल भी आप यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, कलरफुल चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। जहाँ तक रहा कि ट्राइबल ऑथेंटिक जो विंटेज कलेक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको वो सिल्वर कलेक्शन दिखाया था, तो वो जो है सिल्वर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे वो विंटेज कलेक्शन वाला सिल्वर चाहिए था, जो कि मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखाऊंगी सारी अपनी विंटेज कलेक्शन। तो वो उसमें से आप एक दो, अगर आपको सिल्वर ज़्यादा पसंद नहीं है तो उसमें से आप एक दो रियल सिल्वर की चीज़ें ज़रूर रख सकते हैं, जस्ट फॉर योर कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी एंड इट लुक्स नाइस। एंड देन यस, अबाउट द अफगानी ज्वेलरीज एंड प्लस ट्राइबल ज्वेलरीज, आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ऑथेंटिक चीज़ें नहीं बेचते हैं, वो आपको बताएंगे कि यस ये दिस इज़ वेरी ट्राइबल, ये बहुत पुराना है, बट आजकल वो पुराना भी बना सकते हैं। तो आप जिससे भी बाय करते हैं, आप प्लीज़ एक श्योरिटी करके बाय कीजिए कि यस ये बंदा है जो है हमें रियल ऑथेंटिक चीज़ें दे रहा है। अगर वो कह रहा है कि ये विंटेज है तो विंटेज ही होना चाहिए, ये नहीं कि उसको नया बना कर फिर विंटेज करके। अब जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, अगर आप कोई भी ओरिजिनल चीज लेते हैं या रियल चीज लेते हैं, वो पहली बात तो हैवी होती है, ओके, जो आजकल हल्की भी आती है, बट हल्की जो मॉडर्न, अभी आजकल जो ज्वेलरीज बनती है मॉडर्न में, वो हल्की बनाई जाती है क्योंकि वो हम लोग पहने यूज करें, बट जो रियल आपको पुरानी चीजें मिलेंगी, आपने रानियों की चीजें देखी होंगी, महारानियों की चीजें देखी होंगी, या आपने इजिप्शियन ज्वेलरीज देखी होंगी, अफगानी देखी होंगी रियल वाली, तो आपको उसको उठाते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये रियल है, और आप इसको, आपका वजन इसका हैवी होगा, इनके कान के जो होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं। ये देखिए मैंने आज जो है विंटेज अफगानी पहन रखा है, इसके कान के देखिए कितने हैवी होते हैं, रिंग देखिए मेरी, ये भी विंटेज रियल अफगानी है, आप देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ये, तो इस ये काफ़ी हैवी होती है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ से आपको देखें, ये बहुत ही कलरफुल होती हैं, ओके, कलर्स इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से, आपको पता चल जाएगा। तो इसके कलर्स देखिए कितने, ये साल पुराना है, इसका कलर पैटर्न देखिए कितना मतलब प्रोमिनेंट है, आपको पता चल जाएगा, फील आ जाएगा कि इसके घुंघरू देखिए आप कितने यू नो रियल है, कितने ज़्यादा वो है। तो ये वाली ज्वेलरीज आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेंगी क्योंकि ये काफ़ी ओरिजिनल होती है, मतलब पुराने वहाँ से एंटीक लोगों से बाय करके ये लोग हमें देते हैं, या जो बायर्स होते हैं। तो इस तरीके से यू हैव टू नो वॉट यू आर बाइंग, ओके। बाकी सारी चीज़ें तो खैर आपको हर जगह मिल जाएगी, और आपको, आप ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं जो आप जाके देख सकते हैं। प्लस आपको ज़्यादा चीज़ें जो है अगर आपको लोकल मार्केट में मिलता है, जैसे कि आप अगर आप इंडिया में रहते हैं तो जयपुर जाइए, जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी कलेक्शन है, पूरा राजस्थान भरा हुआ है गुड ज्वेलरी से, बहुत ही अफोर्डेबल ज्वेलरीज वहाँ आपको मिलेंगी। फिर दिल्ली में सरोजनी मार्केट, गुजराती मार्केट, गुजराती लेन, गुजराती मार्केट और खान मार्केट, इन सब चीजों में आपको बहुत ही अच्छी ट्राइबल ज्वेलरीज मिलेंगी। देन यू गो हैदराबाद जाइए, आप हैदराबाद में काफी अच्छी चीजें मिलेंगी, कर्नाटक में जाइए वहां बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से आप वहां सबसे गैदर कर सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना बोरिंग लगता है और आप जाके रियल एक्सप्लोर करके, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में तो आप यू नो बार्गेन नहीं कर सकते, यस पॉइंट्स कलेक्ट करके वो सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर अगर बल्क में चीजें खरीदते हैं तो आप डेफिनेटली बार्गेन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपेंसिव चीजें बाय कर रहे हैं, जैसे कि विंटेज कलेक्शन अफगानी हो या ट्राइबल कलेक्शन हो या कश्मीरी हो या मतलब उड़ीसा वगैरह की चीज़ें, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से ही बाय कीजिए जो रियल चीज़ें दे आपको, कुछ और कहकर कुछ और ना दे दे। तो आई होप ये था मेरा ज्वेलरी सेक्शन, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है इसके बारे में। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी किस तरीके की है। तो मैंने जो आज पहन रखा है वो भी अफगानी है, एंड इट्स अफगानी विंटेज ग्लास कलेक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख रहे होंगे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और इस तरीके का अफगानी कलेक्शन मैं आपको और भी दिखाऊंगी। तो हमारे जो एपिसोड्स होंगे वो ऑक्सीडाइज सिल्वर एपिसोड होगा, फिर उसके बाद गोल्डन ऑक्सीडाइज होगा, फिर उसके बाद जो है इस तरीके से बीड्स के होंगे, शेल्स के होंगे, मोतियों के होंगे, और काफ़ी यस वुड कलेक्शन की ज्वेलरीज मैं आपको दिखाऊंगी, क्ले कलेक्शन, जो मैंने आपको थोड़ा ओवरऑल एक ट्रेलर दिखाया है कि ये सारी ज्वेलरीज मैं आपको वन बाय वन कैटेगरीज में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरीज हैं। यू हैव डेफिनेटली फन
सींग माई ज्वेलरी, जितना मुझे दिखाने में अच्छा लग रहा है आई होप आपको उतना देखने में भी मजा आएगा। और हाँ, और वन मोर थिंग, अगर मैं अपना नेक्स्ट इस एपिसोड में मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल छोड़ रही हूँ, जिसमें अगर आपको कोई इसमें से ज्वेलरी पसंद आती है या कुछ अगर आपको चाहिए वो सेम पैटर्न या पीस चाहिए वो वाला, तो आप मुझे ईमेल, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे ईमेल कीजिए कि मुझे ये ज्वेलरी, अगर वो ज्वेलरी मेरे पास अवेलेबल होगी या अगर वो ज्वेलरी मैं देना चाहूँगी या कितना अमाउंट है, मैं आप उसको वहाँ बता दूंगी। अगर आप वो पे करते हैं तो आपको मैं कोरियर कर दूंगी, बट जो चीज़ मैं वो कोरियर करूंगी, जो चीज़ मैं आपको भेजूंगी, दैट इज नॉन रिटर्नेबल, नॉट रिफंडेबल। तो प्लीज़ जो आप मुझसे लेते हैं आप अपने पास ही रखिएगा, वापस मुझे भेजिएगा, क्योंकि इट्स लाइक अगेन लॉट ऑफ पेन फॉर दैट थिंग। सो दिस इज द थिंग एंड आई होप यू विल एंजॉय माई कमिंग एपिसोड्स एंड एंड हैव फन एंड ट्राई एंड बाय नाइस थिंग्स, ब्यूटिफुल थिंग्स एंड फ्लॉन्ट दोज थिंग्स एंड सी मी अगेन। सो दिस इज जेनिफर साइनिंग, आई होप यू एंजॉयड माई दिस एपिसोड। सो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। See you soon. Bye.